आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी थी। जो परंपरावादी दृष्टिकोण था तो उन विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कुछ ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, कुछ विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। उसके पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसमें ये कहा गया कि राजनीति विज्ञान में जब तक हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं तो राजनीति विज्ञान का हमारा अध्ययन उसकी उपादेयता नहीं रहती। तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, कुछ ने कहा कि राजनीति विज्ञान प्रभुसत्ता, आधिपत्य, निर्णय और इनके आवंटन का अध्ययन है, और इसी के अनुसार, इसी के अनुरूप राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र भी निर्धारित होता चला गया और समय के साथ वो क्या होता गया, परिवर्तित भी होता चला गया। कुछ ने ये माना, जो परंपरावादी दृष्टिकोण था उसको स्वीकार किया। बहुत से विद्वानों ने ये माना कि नहीं, इसका जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जब दोनों दृष्टिकोणों को मिला लेते हैं तो राजनीति विज्ञान का एक सही अध्ययन हमारे सामने, विषय क्षेत्र हमारे सामने प्रकट होता है। मैं आपको बहुत प्रारंभ में ही एक पक्ष समझाती हूं मनुष्य के जीवन का। मनुष्य एक है, मैं एक इकाई हूं, मैं एक इकाई हूं, लेकिन मेरे जीवन के पक्ष अनेक हैं। मैं परिवार में रहती हूँ, मेरे जीवन का सामाजिक पक्ष है, मैं वोट देती हूँ, सरकार चुनती हूँ, ये मेरे जीवन का राजनीतिक पक्ष है। भौगोलिक पक्ष है, रोजगार चाहिए, हमारे जीवन का आर्थिक पक्ष है। हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, ये हमारे जीवन का धार्मिक पक्ष है, और भी अनेकों अनेकों पक्ष हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक विषय और इन्हीं के अनुसार सामाजिक विषय का अध्ययन कौन सा विषय करता है, समाज शास्त्र। राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कौन करता है, राजनीति शास्त्र। पर्यावरण अर्थशास्त्र, हर पक्ष का अध्ययन करने वाले विषय अलग अलग हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या एक विषय का प्रभाव दूसरे विषय पर पड़ता है अथवा नहीं पड़ता। इतिहास में हम ये पढ़ते हैं, जो बीत गया
आज हम पढ़ते हैं कि 1857 में भारत में क्रांति हुई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो एओ ह्यूम ने हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थापना की थी। आज इन बातों को, इन बातों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? इतिहास में करते हैं। एक बात मुझे संगीता से पूछनी है कि बेटा, तुमने सभी बच्चियों को इन्फॉर्म किया या नहीं कि आज क्लास 6 से 7 है? तुम यही मुझे इसी पे जवाब दे दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि बच्चियां 7 बजे जुड़े। मैंने संगीता को मैसेज किया था कि क्लास आज 6 से 7 होगी। एनीवे, मैंने संगीता को मैसेज कर दिया था कि क्लास 6 से 7 होगी, क्योंकि फाइनल ईयर में सात बच्चियां आती हैं, 7 बच्चियों के लिए मैं क्लास लाइव नहीं लूंगी। तो इसीलिए मैंने आपको भी कह दिया था कि आप अपनी संख्या को जो मैंने बताया उतना करो, क्योंकि मैं यूपीएससी की क्लासेस लेती थी और मैंने उसको पोस्टपोन करके मैं आपका सिलेबस कवर कर रही हूं। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज शास्त्रों के साथ क्या संबंध है? तो राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन के लिए अन्य विज्ञानों अथवा ज्ञान की शाखाओं की सहायता आवश्यक है। भाई, ये हमारे जीवन का राजनीतिक पक्ष है, ये हमारे जीवन का राजनीतिक पक्ष है। और जो अन्य समाज विज्ञान है, जैसे समाज शास्त्र है, जैसे पर्यावरण है, जैसे अर्थशास्त्र है, जैसे हमारा रिलीजन है, तो क्या इन सब का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं पड़ता? तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। हम ये देखते हैं कि 1950 में राजनीति क्या थी, 1970 में क्या परिवर्तन आया, 2023 में क्या परिवर्तन आया। तो राजनीति विज्ञान में हम स्पेसिफिकली मनुष्य के राजनीतिक, मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। तो रोगर एच सोल्टाउ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उनका कथन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कि राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन के लिए अन्य विज्ञानों और ज्ञान की अन्य शाखाओं की सहायता लेना आवश्यक है। यदि आप राजनीति विज्ञान का सही मानों में अध्ययन करना चाहते हो तो जो विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं उनसे जोड़कर ही हम राजनीति का सही अध्ययन और सही आंकलन कर सकते हैं। यहां मैं आपको एक उदाहरण देती हूं जो सबसे सटीक उदाहरण इस टाइम है कि अभी राजस्थान में क्या हुए विधानसभा के चुनाव। हम यदि मतदाता के
व्यवहार का अध्ययन करना चाहें, हम क्या करना चाहें, मतदाता के व्यवहार का अध्ययन करना चाहें, तो आप मुझे बताओ कि मतदाता का व्यवहार क्या केवल मतदाता का व्यवहार क्या केवल राजनीतिक कारणों से प्रभावित होता है? मतदाता का व्यवहार क्या केवल राजनीतिक कारणों से प्रभावित होता है क्या? नहीं, अनेकों फैक्टर, मैं ये कहती हूं भाषा भी प्रभावित करती है, धर्म भी प्रभावित करता है, अर्थ भी प्रभावित करता है, भूगोल भी प्रभावित करता है, समाज की संरचना ये भी प्रभावित करती है हमारे राजनीतिक व्यवहार को। कैसे प्रभावित करती है ये तो अब आपको मालूम ही है कि हमने कुछ सीटों को आरक्षित किया हुआ है, कुछ सीटों को हमने रिजर्व किया हुआ है कि वहां से अमुक जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसका मतलब सामाजिक पक्ष तो महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात ये कि भाषा, साउथ में भाषा को लेकर बहुत विवाद होते हैं और वहां की राजनीति को भाषा बहुत अधिक प्रभावित करती है और भाषा को लेकर वहां विवाद भी बहुत हुए। तो सोल्टाउ ने कहा कि सर्वप्रथम उसके लिए हमें इतिहास की आवश्यकता है। सोल्टाउ ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान का यदि आप सही अध्ययन करना चाहते हो तो आपको अन्य विज्ञानों की मदद लेनी पड़ेगी। और उसमें वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें इतिहास की मदद लेनी पड़ेगी, जिसके साथ उसका उतना ही घनिष्ठ संबंध है। कुछ लेखकों के लिए इतिहास केवल उस विषय का अतीत है जिसका वर्तमान राजनीति विज्ञान है। बहुत अब हम यहां किस विषय पर आ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? राजनीति विज्ञान और इतिहास, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? अब जो इतिहास है वो हमारा क्या है, अतीत। लेकिन 1950 में हमने अपने संविधान को अपनाया, 1950 में हमने अपने संविधान को अपनाया, तो उस समय की तो ये क्या घटना थी, उस समय की क्या घटना थी, राजनीतिक घटना थी। लेकिन आज ये क्या बन गया, इतिहास। आप पढ़ोगे भारत का आधुनिक इतिहास, समझ रहे हो, 1950 में हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया, अंगीकार किया, अपनाया, तो ये उस समय की तो क्या घटना थी, राजनीतिक घटना थी। उस समय हम ये नहीं कह सकते कि ऐतिहासिक घटना है,
नहीं, उस समय की ये राजनीतिक घटना थी, लेकिन आज हम उसको किसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, भारत का आधुनिक इतिहास आज, क्योंकि वो अब हमारा भूत है। और चूंकि जब हम राजनीति विज्ञान को भी पढ़ेंगे तो ये पक्ष हमारे संविधान से संबंधित है, तो इसलिए जब राजनीति विज्ञान का हम प्रारंभ पढ़ते हैं और संविधान का अध्ययन करते हैं तो उसको हम राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूं, 1700 में अंग्रेज भारत व्यापार करने आए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है, लेकिन इसका हमें अध्ययन इतिहास में करना पड़ेगा। जब जब हम ये जानना चाहेंगे कि अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया, तो हमें यहां से और इससे भी पहले से इनकी जो इतिहास है उसको जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो आज की घटनाएं हैं, जो आज राजनीति में घटित हो रहा है, जो समाज में घटित हो रहा है, वो आज का तो वर्तमान है, लेकिन आज के 100 साल बाद के लिए वो क्या बन जाएगा? इतिहास। आज के 100 साल बाद के लिए वो क्या बन जाएगा? इतिहास। तो इसलिए कहा जाता है, सोल्टाउ ने कहा कि मानव स्वभाव विश्लेषण के लिए हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, दर्शन की आवश्यकता होती है, नीति शास्त्र की आवश्यकता होती है, धर्म की आवश्यकता होती है, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप और सामूहिक समृद्धि को, व्यवस्था को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन भी करना पड़ेगा। मनुष्य का मनोविज्ञान मनुष्य के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसा मेरा मनोविज्ञान होगा, मैं उसी के अनुरूप कार्य करूंगी, और राज्य में भी मेरी जो सहभागिता है वो उसी के अनुरूप होगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में हमें मनोविज्ञान को भी देखना होगा। इसके अतिरिक्त मानव स्वभाव है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? मनोविज्ञान। दर्शन है, अर्थशास्त्र है, धर्म है, सभी समाज शास्त्रों का अध्ययन जब तक हम राजनीति विज्ञान को जोड़कर नहीं करते हैं तो हम राजनीति विज्ञान का भी सही अध्ययन नहीं कर सकते। फिर ये कहा जाता है कि सभी समाज शास्त्र के अध्ययन का विषय किसी न किसी रूप में मनुष्य ही है। भई बहुत कम ऐसे विज्ञान होंगे जिनका विषय मनुष्य ना हो। सभी विषय लगभग, अब हम पर्यावरण को छोड़ दें या भौतिक चीजों को छोड़ दें तो बात दूसरी है, नहीं तो इतिहास है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। यदि मनुष्य नहीं होगा तो समाज कहां से होगा? समाज नहीं होगा तो इतिहास कहां से बनेगा? अर्थ नहीं होगा तो मनुष्य अपना जीवन यापन कैसे करेगा? तो हर विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का और इतिहास का क्या संबंध है। तो विद्वानों का कहना है कि राजनीति विज्ञान का और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन है, क्योंकि इतिहास मनुष्य के कार्यों का ऐसा लेखा जोखा है जिसमें राजनीतिक कार्य भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए दोनों का अध्ययन अनिवार्यतः क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पे निर्भर है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं
तो उसमें मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन भी हम करते हैं। देखो वैसे तो हमारे जीवन के सभी पक्ष इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सामाजिक पक्ष, जैसे आर्थिक पक्ष, जैसे राजनीतिक पक्ष, जैसे धार्मिक पक्ष हो गया। सभी पक्ष इंपॉर्टेंट है और सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए, सभी एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। तो इसलिए दोनों का संबंध घनिष्ठ है। तो विल्लोबी का प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा इतिहास राजनीति शास्त्र की तीसरी सीमा को दर्शाता है। इतिहास क्या दर्शाता है? राजनीति विज्ञान की तीसरी सीमा। फ्रीमैन ने भी बहुत अच्छी इसकी परिभाषा दी और कहा कि इतिहास भूतकालीन राजनीति है। अभी मैंने आपको यह बताया कि भारत का आधुनिक इतिहास, कई बच्चों के पास, जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो वो इसका अध्ययन करते होंगे, भारत का आधुनिक इतिहास। तो फ्रीमैन कहते हैं कि इतिहास भूतकालीन राजनीति है, जो बीत गया राजनीतिक क्षेत्र में भी जो आज के 50 साल पहले घटना घटित हुई वो आज की क्या बन गई, इतिहास। तो दोनों एक दूसरे का निर्माण करते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने एक बहुत अच्छा कथन दिया, वो कहते हैं राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास एवं राजनीति और अतीत एवं वर्तमान का मध्यस्थ है। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति और अतीत और वर्तमान का मध्यस्थ है। बहुत अच्छी बात है। हम ये कहते हैं आज ये क्या है, मेरा वर्तमान, लेकिन आज के 10 साल बाद कौन हूं मैं हूं, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा 10 साल बाद। तो क्या आज और 10 साल बाद के जो समय होगा, क्या इनके बीच में कोई संबंध है अथवा नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूं। आप बताइए मुझे कि आज जो समय है तो क्या आज के 10 साल बाद जो समय होगा वो मेरे आज के समय से जुड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसी का प्रभाव मेरे आज के समय पर पड़ेगा। यदि ये समय, आज का समय यदि अच्छा है तो संभावना बहुत रहेगी कि 10 साल बाद का समय भी ठीक ठाक हो, और यदि आज का समय ही अच्छा नहीं है, आज का हमारा आर्थिक पक्ष अच्छा है और वो इस पीरियड में, ये बीच का पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, बीच का पीरियड, इसमें यदि कोई डामलडोल नहीं होता है, कोई व्यवस्थाएं खराब नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से यह समय भी कैसा होगा, अच्छा। लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति में अतीत और वर्तमान का मध्यस्थ है। जो बात इससे पहले विद्वान की थी वही बात लॉर्ड ब्राइस ने भी कही है कि यह वर्तमान और भूत का मध्यस्थ है राजनीति विज्ञान। उसने एक से सामग्री ली है, उसका प्रयोग उसे करना
पड़ता है। तो सभी विचारक, राजनीति विज्ञान के जितने भी विचारक हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो सब ये मानते हैं कि भाई आज की जो राजनीति है वो आज के 100 साल बाद का इतिहास है। बहुत सीधी और सरल बात है कि आज की जो राजनीति है वो आज के 100 साल बाद यदि कोई व्यक्ति उसका अध्ययन करेगा कि 2023 में क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ था, तो 100 साल बाद कितना होगा, ये 2023 है, 2123, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वो इतिहास बन जाएगा, आज जो है उस टाइम का इतिहास होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा, मैं इसको दूर करती हूं। भारत में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1952। भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, 1952। लगातार अभी जो 1952 का चुनाव है इसको यदि हम 2023 में इसका अध्ययन करते हैं तो ये एक तरीके से क्या है, इतिहास। राजनीति विज्ञान तो है क्योंकि वो आज हमारी संविधान की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के 1000 साल पहले बाद या आज के 500 साल बाद तो ये पूर्णतः क्या बन जाएगा, इतिहास। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर हैं। इतिहास क्या है, भूतकालीन घटना, आंदोलन, आंदोलन के कारण, आंदोलन। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, अहिंसा में विश्वास करता है, लेकिन जब किसी बात पर आम सहमति नहीं बनती तो जन समुदाय आंदोलन पर भी उतारू हो जाता है। हमें किसी भी आंदोलन का समाधान करना है तो हमें उसका, उसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि भाई इसका पुराना बैकग्राउंड देखो, ये प्रॉब्लम अभी लड़ रहे हैं तो यहां ये लड़ रहे हैं से समस्या का समाधान नहीं होगा। लड़ाई किस विषय पर हुई, इसका प्रारंभ कहां था, इसका जन्म किस बात से हुआ, तभी समाधान होगा। तो इसलिए इतिहास क्या है, हमारी भूतकालीन घटनाओं का संग्रह। राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए हमें राजनीति विज्ञान की शरण लेनी पड़ती है। यदि हमें राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है, उनके विकास का अध्ययन करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भारत में पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 1952। तो ये कहा जाता है कि हमें राजनीतिक घटनाओं को यदि ठीक से समझना है तो हमें उसके इतिहास में जाना होगा। राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन इतिहास के साथ जुड़कर ही किया जा सकता है। यदि आप संपूर्ण राजनीति को समझना चाहते हो तो उसको इतिहास की पृष्ठभूमि में जानने का प्रयास करो। इसके अलावा भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। यदि आप चाहते हो कि सरकारें ठीक से काम करें,
और आप चाहते हो कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध क्यों नहीं आए, क्यों आते हैं? यदि आप चाहते हो कि आपकी सरकार ठीक से काम करे तो आपको पुरानी हमारी जो राजनीति रही है, राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, उनका हमेशा ध्यान रखना होगा। तभी हम भाई आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यदि हम देखते हैं, भी पहले भी आज के 25 साल पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो हम ये देखते हैं कि तब कैसे समाधान किया गया था। तो जब उस टाइम जो समाधान किया था उसको आज की वर्तमान परिस्थितियों में लागू करके, सुधार करके, थोड़ा परिवर्तन करके हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था के लिए इतिहास आवश्यक है। जैसे हमें कहते हैं कि भारतीय राजनीति में एक सामान्य बात है, हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है, हमारा देश विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न जातियां, मैं ये कहूंगी कि एक गांव से हम दूसरे गांव में जाते हैं वहां भाषा बदल जाती है। तो जहां इतनी विभिन्नता है, जहां इतनी विभिन्नता है तो वहां एकता को स्थापित करना बहुत क्या है, कठिन काम। एक स्टूडेंट मुझे नीचे कमेंट करके ये बता दे कि आपको दिखाई दे रहा है ना और सुनाई दे रहा है ना। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि भारत कैसा देश है, विभिन्नता का, अनेकों अनेकों धर्म के लोग यहां निवास करते हैं। और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो हमारे देश के क्या हुए, दो टुकड़े। भारत पाकिस्तान, क्या हमने ये कहा कि यहां हिंदू रहेंगे मुसलमान नहीं रहेंगे, कहा क्या? नहीं, हमने इस बात का कोई जिक्र भी नहीं किया। और मैं मानती हूं कि भारत इस मामले में क्या है, धन्य है, जिसने बिल्कुल विचार नहीं किया इस बात का कि इस देश में केवल हिंदू रहने चाहिए। हमने सभी धर्मों को, हमने कोई अंतर ही नहीं किया। एज इट इज जो भारत का विभाजन किया गया था उस टाइम की तत्कालीन जो भी व्यवस्थाएं थी उनके द्वारा जो भारत का विभाजन किया था, हमने उसको उसी रूप में स्वीकार किया। तो हमें कहते हैं उससे क्या हुआ कि भारत में, हाँ, भारत में जो अनेकों अनेकों धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म को मानते हैं वो भी है, सभी उतने ही अधिकार से निवास करते हैं जितना मेरा अधिकार। जो अधिकार डॉक्टर वंदना जोशी के पास है किसी भी रूप में, चाहे वो राजनीतिक अधिकार है, चाहे वो सामाजिक अधिकार है, चाहे वो आर्थिक अधिकार है, चाहे वो मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो मेरी समानता का अधिकार है, चाहे वो मेरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 35,
तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो बिना किसी भेदभाव के ए से लेकर जेड तक को प्रदान किए गए हैं, ए से लेकर जेड तक को प्रदान किए गए हैं। समस्या यहां से उत्पन्न होती है क्योंकि एकता में एकता तो रहती है, एकता में एकता तो रहती है, लेकिन विभिन्नता में एकता स्थापित करना मुश्किल काम है। विभिन्नता या भिन्नता में एकता स्थापित करना क्या है? मुश्किल काम है। तो इसलिए यदि हम भारत के राजनीति को सही रूप में समझना चाहेंगे तो हमें भारत के पास्ट को जानना पड़ेगा। भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया और उन्होंने हमें मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी बहुत दी। उसके पश्चात कुछ मुगल सम्राट भी आए, उन्होंने भी भारत का प्रत्येक प्रकार से हमें जो वो ठेस पहुंचा सकते थे उन्होंने ठेस भी पहुंचाई और हमारा नुकसान भी किया। तो लॉर्ड एक्टन ने कहा, किसने कहा? लॉर्ड एक्टन, कि इतिहास की धारा से राजनीति उसी भांति संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। ये बहुत जिसको कहना चाहिए ऐतिहासिक साहित्य का पुट लिए हुए ये परिभाषा है। आपने तो कभी नदी की रेत नहीं देखी होगी, लेकिन नदी की रेत को यदि नीचे से आप लोगे तो उसमें चमकीली होती है वो, उसमें कहीं, क्योंकि वो पानी पता नहीं पहाड़ों में से कहां कहां से बह के आता है, तो ये माना जाता है कि वो कॉपर और बहुत तरह के जो खनिज पदार्थ हैं वो उसमें सोने की तरह उसमें उनकी चमक होती है। तो इसलिए लॉर्ड एक्टन की ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कि इतिहास की धारा में धारा किसकी है? धारा किसकी है? इतिहास की। इतिहास की धारा में राजनीति की भांति राजनीति उसी भांति संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। तो धारा इतिहास की है लेकिन प्लस इसमें क्या है? राजनीति। राजनीति के कण इसमें बहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 1950 की घटनाएं हैं या भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ते हो तो सन 1700 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत व्यापार करने आए और 1947 में हमें उनसे मुक्ति मिली। तो उस समय की जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं वो आज का इतिहास है, हम उनको पढ़ते हैं। तो लॉर्ड एक्टन की परिभाषा सही है। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह तुलना और यह सामान्य निर्धारण किया जाता है कि बिना इतिहास के राजनीति अधूरी है। यदि आप इतिहास का अध्ययन नहीं करोगे तो राजनीति विज्ञान क्या हो जाएगा? अधूरा, इनकम्प्लीट। अब मैं आपको बहुत एक सटीक उदाहरण दे देती हूं। अभी अपना जो विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव जब हुए तो चूंकि मैं उदाहरण ऐसे इसलिए देती हूं
कि चूंकि आप इस परिवेश में जी रहे हो, तो जब टिकट आवंटन किया जाता है तो सारी चीजें देखी जाती हैं कि पिछले चुनाव में यहां कौन खड़ा हुआ था, इस निर्वाचन क्षेत्र से पिछले चुनाव में कौन खड़ा हुआ था, किस जाति के वोट उसको ज्यादा मिले थे, इस निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति के वोटर्स ज्यादा हैं। ये कड़वी सच्चाई है भारत की राजनीति की, ये क्या है, कड़वी सच्चाई। कोई ये कहे कि सरकार ने कैसे काम किए उस आधार पे कैंडिडेट का निर्वाचन होता है, नहीं, ये देखा जाता है कि ये कैंडिडेट यहां से चुनाव जीत सकता है क्या, उसकी जाति के कितने लोग हैं, उसके समर्थन के कितने लोग हैं, उसके बिरादरी के कितने लोग हैं, सारी बातों को कंक्लूड कर ही टिकट का आवंटन किया जाता है। तो आज की राजनीति है, राजनीति कब की है, आज की, लेकिन उसको प्रभावित कौन सी घटनाएं कर रही हैं, पास्ट की। पास्ट को देख के हम वर्तमान का निर्णय लेते हैं। आज भारत में जो कुछ भी है, अभी सरकार केंद्र में बीजेपी की है, सरकारें जो भी निर्णय लेती हैं तो वो ये देखती हैं कि पिछली सरकार ने यदि ऐसा काम किया था तो उसके क्या परिणाम निकले थे, ये देखकर सरकारें बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करके, पास्ट का विश्लेषण करके वर्तमान के निर्णय लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूं, यदि आप नहीं पढ़ोगे, मैंने आपके सामने एक कंडीशन रखी कि ऐसा होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, मुझे अभी मालूम नहीं है कि वो कंडीशन पूरी हुई है अथवा नहीं हुई है, हाँ लेकिन मैं आपको ये बता देती हूं कि मैंने बीए पार्ट थर्ड की क्लास लेना बंद कर दिया इसी कारण से कि वो कंडीशन पूरी नहीं होती है, मैं क्लास नहीं लूंगी। आपको ये देखना होगा कि पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट की घटनाएं वर्तमान को बहुत प्रभावित करती हैं, उनसे सीखा जा सकता है। आज आप यदि नहीं पढ़ोगे तो आप ये देख लो कि नहीं पढ़ने वालों का हाल क्या होता है, आपका तो वर्तमान है, लेकिन ये देखो कि आज आपसे 10 साल पहले जो बच्चियां नहीं पढ़ती थी, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, वंदना जोशी मैडम के कहने से भी नहीं की, किसी के कहने से नहीं की, उनका वर्तमान देख लो और अपना भविष्य देख लो। समझ में आ रही है बात, मेरे हिसाब से आनी चाहिए। तो इसलिए भूत को देखकर वर्तमान में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो यह कहा जाता है कि इतिहास ही हमें मार्ग दिखाता है, इतिहास सफल और असफल प्रयोगों का एक समायोजन है। भाई जीवन में हमेशा सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है, हर सरकार को हर समय सफलता मिले ये भी जरूरी नहीं है। तो इतिहास क्या है, सफलता और असफलताओं का प्लस जोड़ जोड़ बाकी है। जीवन में बहुत कुछ घटता है, ए भी घटता है, बी भी घटता है, जट तक घटनाएं घटती हैं, कुछ प्लस होती हैं, कुछ माइनस होती हैं, और इतिहास उनका सबका क्या है, संग्रह। इतिहास उन घटनाओं का सबका क्या है, संग्रह है। तो इसलिए कहा जाता है कि इतिहास से राजनीतिज्ञ यह शिक्षा लेता है कि हमें ऐसा नहीं करना जिसको करके पहले की सरकारों ने कोई नुकसान उठाया है, ऐसा कार्य हमें नहीं करना। भारतीय इतिहास ये हमें सिखाता है कि एक देश को उन्नत होने के लिए
राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। हमारा जो सेकुलर शब्द है, मैं इसको मिटाना नहीं चाहती, हमारा जो सेकुलर शब्द है, इस शब्द को हमने संविधान में 42वां संशोधन करके और हमारी प्रस्तावना में इसको शामिल किया था, इसको शामिल किया था सेकुलर शब्द को। बेटा आपने लिखा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन मेरी तरफ से नेटवर्क भी पूरा है और स्टूडियो का सेटअप भी पूरा है, आपके नेटवर्क में कोई कमी हो सकती है। आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, थैंक यू। तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूं वो क्या है, देखो ऐसा है, लिंक मत तोड़वाया करो, विचारों का प्रवाह जो चल रहा है उसको चलने दो, नहीं तो बीच में लिंक टूट जाता है। तो हमें हमारा इतिहास ये बताता है कि जो राष्ट्र धर्म के मामले में सेकुलर होते हैं वो ज्यादा उन्नत होते हैं। जो राष्ट्र एक धर्म को अपना लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, संकुचित। उनका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, संकुचित। भारत को आज के 100 साल पहले भी विश्व गुरु माना जाता था, जितना कल्चर, संस्कृति, साहित्य, अर्थव्यवस्था हमारी रिच थी, आज भी है, उतनी शायद स्पिरिचुअली, सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भारत का कोई तुलना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा पास्ट हमको सिखाता है, धर्म के मामले में यदि हम एक धर्म को अपना लेते हैं तो हम संकुचित हो जाएंगे। संकुचित हो जाएंगे तो धार्मिक उन्माद पैदा होगा। आप एक धर्म को अपना लेते हो तो धार्मिक उन्माद पैदा होता है। तो भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया, हमने कौन सा रास्ता अपनाया कि भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य। हमारा संविधान किसी भी धर्म को नहीं अपनाता। हमारे संविधान में सभी धर्म क्या है, समान। हमने संविधान में किसी धर्म को नहीं अपनाया। संविधान में यही लिखा गया है कि भारत में सभी धर्म क्या है, समान। और इसलिए संविधान सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, अन्य कोई भी। तो जिस तरीके से, इसका मतलब यह है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, हमें इतिहास से सीखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इतिहास की राजनीति विज्ञान पर कैसे निर्भर है। यदि राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है तो इतिहास भी राजनीति विज्ञान पर निर्भर है। राजनीति की सहायता लेकर इतिहास सिद्धांतों का निर्माण करता है। यदि इतिहास अनुभव के द्वारा शिक्षा देता है तो राजनीति शास्त्र तो वो दर्शन है
जो शिक्षा देती है और वो सारा का सारा विषय जो है उसका क्या है, राजनीतिक दर्शन। तो यदि हम इतिहास से सीखते हैं तो राजनीति विज्ञान भी तो इतिहास को विषय सामग्री प्रदान करता है। हमने किससे सीखा? इतिहास से। लेकिन यहां हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, आपको भी स्वीकार करना होगा कि राजनीति विज्ञान इतिहास को सामग्री प्रदान करता है। किसी भी देश का यदि इतिहास देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो किसका रहता है? राजनीतिक घटनाओं का। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? राजनीतिक घटनाओं का। भारत में यदि अंग्रेज नहीं आए होते, ईस्ट इंडिया कंपनी यदि भारत में नहीं आई होती, तो हो सकता है कि भारत आज सर्वोच्च शक्ति होता, दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र होता। भारत ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, भारत ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, अनेकों अनेकों बाहरी शक्तियां आई और उन्होंने भारत का अनेकों अनेकों प्रकार से शोषण किया है। हमारा बौद्धिक शोषण किया, हमारा आर्थिक शोषण किया, हमारे समाज को तोड़ा, हमारा सामाजिक अन्याय किया। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति बहुत कुछ सीमा तक इतिहास को निर्धारित करती है। भाई एक कहावत है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा ईमानदार होगा तो प्रजा भी ईमानदार होगी। राजा यदि ईमानदार है तो प्रजा बेईमान हो नहीं सकती। राजा शांतिप्रिय है तो प्रजा विध्वंसक नहीं हो सकती, क्योंकि वो होएगी तो राजा के पास क्या है? शक्ति। वो उनको ऐसा नहीं होने देगा। तो इसलिए बहुत कुछ इतिहास जो है वो राजनीतिक घटनाओं से ही निर्धारित होता है। राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ भी होता है वो इतिहास की विषय सामग्री बन जाता है। मैंने आपको बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ भी होता है, देखो भारत को आजादी मिली थी 1950 में हमने अपना संविधान अपनाया। 1952 में भारत में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर 1957 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर 1962 में 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर 1967 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ। यह क्रमशः है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 1952 से लेकर 1962 तक भारत में केंद्र में भी और राज्यों में भी एक ही
ही दल की सरकार थी और वो दल कौन सा था? कांग्रेस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चुनाव जब हुआ 1952 में, तब से लेके 62 तक केंद्र में भी और समस्त राज्यों में भी एक ही दल की सरकार रही और वो किसकी थी? कांग्रेस की सरकार। बेटा आपने लिखा है कि मैम दिखाई नहीं दे रहा है, यू राइट मी सजेशन। ऐसा करते हैं, इस क्लास के बाद अपन अनऑफिशियली मैं वापस चालू करूंगी, है ना, तो उस टाइम अपन सारे ये जो लाइट व्यवस्था ये देखेंगे, तो अपन परिवर्तन करके देख लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो 1947 मैंने आपको बताया कि 1950 में हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया और 52 से लेके 62 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद 1967 में जब चुनाव हुआ तो कुछ राज्यों में अन्य दलों की सरकारों का निर्माण हुआ। 1967 में पहली बार कुछ राज्यों में कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों की सरकार का निर्माण हुआ। अब आप इतिहास में जाकर यह देख सकते हो कि जिस राजनीतिक दल ने एक छत्र साम्राज्य जिनका था, जिस राजनीतिक दल में भारत में 30 साल तक केवल अकेले एक पार्टी ने शासन किया, उस राजनीतिक दल की आज वर्तमान समय में स्थिति क्या थी? यदि वो राजनीतिक दल अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने पास्ट में जाकर सीखना चाहिए कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्यों आती थी कांग्रेस सरकार, क्यों कोई विपक्ष नहीं आ पाता था। सारी बातें हैं, सबका अध्ययन करेंगे तो हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। फिर ये कहा जाता है कि यदि 19वीं शताब्दी के रीति रिवाज हर राष्ट्र की कुछ न कुछ अस्थिरताएं स्थिरताएं अस्थिरताओं के कारण होते हैं, और जब तक हम उनको उनका अध्ययन नहीं करते तो हमको सफलता नहीं मिलती। 1917 में रशिया में क्रांति हुई और उसका प्रभाव वहां पर, वहां की व्यवस्था पर पड़ा। आपको मालूम है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दो विश्व युद्ध हुए। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था और 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो जापान में हिरोशिमा नागासाकी, वहां पर इतना विनाश हुआ कि उसके अभी भी उसकी छाप दिखाई देती है, उसकी छाप अभी भी दिखाई देती है, जो नुकसान तब हुआ था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जापान का संविधान का जब निर्माण किया गया तो जापान ने अपने संविधान में लिखा कि जापान कभी युद्ध नहीं करेगा, जापान कभी युद्ध नहीं करेगा। क्यों?
यहां वही बात आ जाती है वापस, क्यों क्यों? क्योंकि हमने, जापान ने युद्ध की विभीषिका को भुगता था, जापान ने युद्ध की विभीषिका को भुगता था, तो इसलिए ये कहा जाता है कि हम पास्ट से सीखते हैं। ये व्यक्ति पे भी लागू होती है बात। आज मैं कुछ भी करना चाहती हूं, मैं ये सोचती हूं कि भाई बच्चे मुझसे क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, बच्चे मुझसे क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, या कि क्यों पढ़ना चाह रहे, या कि क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे अपना आंकलन करना होगा। मुझे ये देखना होगा कि क्या कल अच्छा पढ़ाया था क्या, या कि कल अच्छा नहीं पढ़ाया था, कल को देखकर आज को ठीक किया जा सकता है। अभी देखते हैं। तो फिर ये कहा जाता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ऐसा करते हैं, मैं एक बार इसको बंद करती हूं और वापस चलाती हूं, है फिर देखते हैं नेट ठीक होता है क्या।